आगे बढ़ेंगे स्टैंडर्ड से सब्जेक्ट संस्कृत यूनिट नंबर 1 का क्वेश्चन चालू है यानी कि गौरव की चतुर है। तो लास्ट टाइम हमने आधा नोट देखा था, आधा हमारा बाकी था, तो हम कंप्लीट करते। तो हमने यहाँ पर देखा था कि एक कौवा है जो उसके ऊपर रहता है, उसके नीचे जो बफर होती है उसमें सर्प रहता था। तो सर्प क्या करता था, जब भी कौवा बाहर जाता था तो सर्प आके उसकी एक बच्चे को खा जाता है। और तो एक दिन कौवा देखता है तो ऐसा सोचता है कि इस सर्प को मारने के लिए यानी कि उसको सबक सिखाने के लिए मुझे कुछ करना होगा। तो हम देखते हैं आगे। तो एक दिन ऐसा होता है कि कौवा जो होता है वो नदी किनारे जाता है। तत्र राजकुमार स्नान करोति तस्याः सुवर्ण हारः नदी तीरे अस्ति चतुरः काकः सुवर्ण हारम् अपहरति। तो जब कौवा नदी के किनारे जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, एक राजकुमारी जो थी वो वहाँ पर स्नान कर रही थी। तस्याः सुवर्ण हारः नदी तीरे अस्ति, तो वो जब स्नान कर रही थी तो उसका सोने का जो हार था उसने वहाँ नदी के किनारे पर रखा था। चतुरः काकः सुवर्ण हारम् अपहरति, अपहरति का मतलब होता है ले जाना। तो कौवा जो क्या करता है, जो चतुर कौवा उसका जो सोने का हार है वहाँ से ले जाता है। काकः सुवर्ण हारम् कोटरस्य अनंत क्षिपति, तो कौवा क्या करता है, जो सोने का जो हार था उसको कोटरस्य अंत क्षिपति, कोटर जो था उसके अंदर जो कोटर यानी कि जो बखोल था उसके अंदर वो उसको रख देता है। सैनिकः काकस्य पृष्ठे आगच्छति, पृष्ठे का मतलब होता है कि उसके पीछे, तो सैनिक जो उसका पीछा करता है तो उसके पीछे आ जाता है। कोटरे सुवर्णहारः सर्प च पश्यति, जैसे ही वो सैनिक कौवे के पीछे पीछे आ जाता है तो वो क्या करता है, जब कौवा ने जो सुने का हार था जो बखोल में फेंक दिया था तो सैनिक जब आता है वो देखता है तो सोने का हार तो था पर उसके साथ उसने एक सर्प को भी देखा। सः चिन्तयति अहो प्रथमं सर्प मार्यामि अनन्तरं हारं नयामि, अनन्तरं का मतलब होता है बाद में। अब जो सैनिक को ऐसा सोचता है कि सोने का हार तो वहाँ पर है और उसके साथ एक सर्प भी है, अगर वो सोने का हार पास से ले जाने के लिए जाए तो शायद सर्प उसको मार भी सकता है। तो वह ऐसा सोचता है कि पहले मुझे सर्प को मारना पड़ेगा और उसके बाद ही मैं इस सोने के हार को ले सकता हूँ। तो वो क्या करता है, सैनिक जो है पहले जो सर्प होता है सर्प को मारता है और उसके बाद वो सोने का हार जो होता है उसको ले लेता है। सैनिकः सर्पं मारयति हारं नयति, काकः वदति अहो सर्पः मृतः अधुना सुखेन वसामि। तो सैनिक क्या करते हैं, जो सांप होता है उसको मार देते हैं। और हारम नयति, नयति का मतलब होता है नयामि यानी नयति, उसका मतलब होता है ले जाना। तो पहले सैनिक जो है सांप को मार देता है और उसके बाद वो सोने का जो हार था उसको ले जाता है। काकः वदति, जब ऐसे सिचुएशन को देखता है तो कौवा बोलता है, वदति का मतलब बोला, अहो सर्पः मृतः, अरे सांप मर गया, अधुना सुखेन वसामि, अधुना का मतलब होता है अभी कि अब हम सुखेन वसामि, अब हम सुख से यहाँ पर रहेंगे। तो इस तरह कौवा जो है अपनी युक्ति का प्रयोग करता है और सर्प को मार देता है और इस तरह से वो वहाँ पर सब अपनी फैमिली के साथ सुखी से रहने लगता है। तो यहाँ पर हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है।